पुष्पराज मैं ओटीटी पे जाएगा साला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का स्टाइलिस्ट था, नाउ आइकन था, अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा पार्ट वन के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? पिछले 3-4 दिनों से ये बात पता चल गई थी कि पुष्पा का ओटीटी प्रीमियर होने वाला है ऑन द 7th of January अमेजोन पर। तभी से लेकर फैंस में बहुत ज्यादा डिसकंफर्ट, डिसइंटरेस्ट एंड बहुत ही ज्यादा आक्रोश कह सकता हूँ वो दिखाई देने लग गया। एंड गाइस, ये बात मैंने आपको एक हफ्ते पहले ही कह दी थी कि द ओटीटी प्रीमियर ऑफ पुष्पा इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द 1st week of January। लेकिन गाइस, अनफॉर्चुनेटली ये हमारे हाथों में नहीं है कि एक फिल्म जो इतना ब्लॉकबस्टर बिजनेस कर रही है, मोर देन 300+ crore एट द वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस, वो ओटीटी पर जा रही है। देखिए गाइस, ऐसे डिसीजंस जो रहते हैं ओटीटी के, वो थिएट्रिकल रिलीज से पहले ही ले जाते हैं। अब गाइस, सभी लोगों को पता है कि इस तरह से मास्टर जो कि मैग्नानिमस बिजनेस कर रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों में ही ओटीटी पर चली गई थी। मोहनलाल जी की फिल्म मरक्कर, सुपर बिजनेस, went on OTT in just a matter of 2-3 weeks. तो गाइज, जो थिएट्रिकल विंडो है एंड द ओटीटी विंडो, वो बहुत ही रिड्यूस कर दिया गया है, स्पेशली साउथ फिल्म्स को लेकर। वहां पे फिल्में 2 हफ्ते मैक्सिमम 3 हफ्तों पर ओटीटी पर जा रही है, क्योंकि गाइज प्रोड्यूसर्स भी अपने आप को सेफ रख रहे हैं। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स को भी पता नहीं था कि ये फिल्म इतना ब्लॉकबस्टर बिजनेस करेगी कि स्पेशली हिंदी कलेक्शंस अब स्पेशली डे 18-19 तेलुगु वर्जन से ज्यादा आ रहे हैं। इनफैक्ट डे 15 से ही हिंदी कलेक्शन जो है वो तेलुगु वर्जन से ज्यादा आना शुरू हो गए हैं। एंड गाइस, अब इसी का कारण है, ड्यू टू द प्री थिएट्रिकल अग्रीमेंट बिटवीन द ओटीटी जायंट्स एंड द प्रोडक्शन हाउसेस, पुष्पा का निर्धारित समय जो था, यानी कि 7 जनवरी का जो था, वो अब कन्फर्म हो चुका है। अमेजोन ने बकायदा ट्वीट करके कहा है, ही विल फाइट, ही विल रन, ही विल जंप, बट यू वोंट सकंब, वॉच पुष्पा ऑन प्राइम ऑन द 7th of January। सो गाइस, 7 जनवरी को ये फिल्म तेलुगु, तमिल, मलयालम एंड कन्नड़ा में आने वाली है एंड हिंदी में भी। मम्मा मिया, आई वाज जोकिंग। सबसे खुशी की बात यहाँ पर ये है कि ये फिल्म हिंदी में नहीं आने वाली है। वैसे भी गाइस, इसके जितने भी लैंग्वेजेस थे, उसके जो वर्जन्स थे, वहाँ पे कलेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। यस, संक्रांति आने वाली है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने कहा है 8 से लेकर 16 तक हम थिएटर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करने वाले हैं। लेकिन सभी लोगों को पता है हर स्टेट में रिस्ट्रिक्शन होने वाला है, तो तेलंगाना भी नहीं बचेगा, वहां भी रिस्ट्रिक्शन होगा। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं भी होता, तभी भी जाकर गाइज ये फिल्म थिएटर में डेफिनेटली धमाल मचाती है। ओटीटी पे आने के बावजूद भी ये फिल्म थिएटरिकल बिजनेस कैसे भी करेगी। मास्टर थिएटर में चल रही थी डिस्पाइट इट बीइंग ऑन ओटीटी, क्योंकि ऐसी फिल्मों का मजा सिर्फ और सिर्फ गाइस बड़े पर्दे पर ही आता है। ऑडियंस को पता, हाँ ये कोई छोटी फिल्म होती, अगर ओटीटी पर वापस आ जाती थी तब जाके इसे नुकसान होता। इसका सबसे जीता जागता जो एग्जाम्पल है वो हमारे सामने है, सूर्यवंशी। अब सभी लोगों को पता है सूर्यवंशी किस तरह से 5 दिसंबर को ओटीटी पर आ गई थी। वो तो सडन था, सबको पता था आने वाली है, लेकिन नेटफ्लिक्स ने भी अपना जो मंथली निकालते हैं वो लोग, उसमें सूर्यवंशी का नाम नहीं लिखा था। सडनली सुबह उठा, पेपर खोला, क्या है ये, 5 तारीख को नेटफ्लिक्स मूवी इंग्लिश भाषा में भी रिलीज कर दी है। उसके बावजूद भी हमने देखा किस तरह से सूर्यवंशी ने ऑलमोस्ट उस वीकेंड में 4.5-5 करोड़ का बिजनेस कर दिया था एंड उसके कलेक्शन आगे बढ़ते रहे। ऐसा नहीं सूर्यवंशी रुकी, 28वें दिन पर इनफैक्ट ओटीटी पर आने के बावजूद भी सूर्यवंशी बॉक्स ऑफिस पे 45-46 डेज चली। समझ में आ रहा है ना कि 2 हफ्ता और चली एंड यहाँ तो पुष्पा के सामने कोई रिलीज ही नहीं है, ना RRR है, ना राधे श्याम है, तो डेफिनेटली थिएटर में चलेगी। यहाँ पर गाइस हमको प्रोड्यूसर्स के बारे में सोचना होगा कि उन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है फिल्म में, ठीक है। नंबर वन, उनको भी अपनी रिकवरी का टेंशन था एंड ओटीटी का डील अब आजकल सब लोग कर रहे हैं। लेकिन द सिल्वर लाइनिंग इन दिस डार्क क्लाउड इज आज जो है वो गाइज 5 तारीख है एंड गाइज यहां पर एटलीस्ट 14 तारीख तक पुष्पा का जो हिंदी वर्जन है वो सिनेमा घरों में नहीं आएगा। एंड जब तक हिंदी डबिंग ओटीटी पर है ही नहीं, तब तक इसके हिंदी वर्जन को कोई खतरा नहीं। वो RRR नॉट रिलीजिंग,
पूरा का पूरा इसके पास 10 दिन और है चिक्कार पैसा कमाने के लिए। सभी लोगों को पता ऑलमोस्ट 65 करोड़ तक आ गई है 10 दिन में। अगर हर दिन 2 करोड़ रुपए भी कमाती है देन इसका लाइफ टाइम 85 करोड़ तो कैसे भी जाएगा। एंड नेक्स्ट वीकेंड में सभी लोगों को पता है पुष्पा क्या धमाल कर सकती है बॉक्स ऑफिस में, इसलिए इसका हिंदी वर्जन सेफ है। यस 14 तारीख के बाद इसका शायद हिंदी डेब्यू होगा, कहाँ होगा ये अभी तक आइडिया नहीं है, कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा तो उसके लिए इंतजार कीजिए। 10 दिन है पुष्पा अभी भी हिंदी में विदाउट द OTT रिलीज, आई थिंक 10 दिन काफी है इसको अच्छा कलेक्शन करने के लिए। यस जितने भी साउथ लैंग्वेजेस हैं पुष्पा विल बी ऑन द OTT वर्जन ऑन द 7th of January 2022 Amazon पे, लेकिन इसके थिएटरिकल वर्जन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पब्लिक इसे थिएटर में देखेगी। संक्रांति के दिन ये वापस से रिकॉर्ड तोड़ेगी बड़े बड़े सिनेमा घरों में, हम उसे जरूर ट्रैक करेंगे। एपिसोड का पसंद आया प्लीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्मैमरन साई साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से कूल मैन पुष्पा पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला।